दोनों सेम ही है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। इस यंत्र का नाम है जय प्रकाश। अच्छा जय प्रकाश, ये दो भागों में डिवाइड है, जय प्रकाश ए एंड बी। अच्छा दो भागों में डिवाइड, ए और बी वाला है। इसका जो खाली जगह है, अच्छा तो उसके अंदर वहाँ का खाली मार्बल इसमें लगा, ये यूं है दोनों अगर मिलाएं तो एक पूरा बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण से एक घंटे ये काम करता है, एक घंटे। अच्छा एक घंटे ये काम करता है और एक घंटे वो काम करता है। सर काम का कैसे मालूम चलता है कि दोनों के बीच में एक प्लेट है लोहे। अच्छा तो वो प्लेट, हाँ वो गोल गोल, इस प्लेट की परछाई अभी मार्बल पे गिर रही है। हाँ गिर रही है, ये वर्किंग में नहीं तो वो सही वर्किंग में है। अच्छा लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस प्लेट से मार्बल से नीचे आ जाएगी तो उसके मार्बल पहुँच जाएगी, इस समय उसके मार्बल पे नहीं है, उस पर खाली जगह गिर रही हो। अच्छा अच्छा, तो एक घंटे प्लेट छह मार्बल पे यहाँ दिखाई देती है, एक घंटे उसके तो जिसके मार्बल पे गिरे वो वर्किंग में माना जाता है। अच्छा इस यंत्र से मालूम चलती है राशि की, सूर्य किस राशि में है। अच्छा सूर्य किस राशि में, तो अपने टोटल 12 राशि होती है। अच्छा 12 राशि में से 6 राशि उत्तरायण की होती है और 6 होती है दक्षिणायन की। अभी हमने देखा है सूर्य इन दिनों में उत्तरायण चल रहा है। अच्छा उत्तरायण, उत्तरायण किस राशि में वही दिखा रहा है। अच्छा ये अपना आकाश है और ये प्लेट की परछाई सूर्य, सूर्य और यहाँ मेरे हाथ की छाया दिख रही है आपको। हाँ दिख रही है, ये लाइन है इक्वेटर, तो इसके नीचे का पार्ट उत्तरायण है, ऊपर का पार्ट दक्षिण दक्षिण है। तो 6 राशि नीचे वाले में, 6 राशि ऊपर वाले में। तो अभी जहाँ छाया गिर रही है उसके पास में ऊपर और नीचे नाम लिखा दिख रहा है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मिथुन सिंह, ऊपर लिखा हुआ वृष कन्या। तो ये छाया रोज युद्ध चलेगी, सनराइज ईस्ट में और वेस्ट में थोड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ेगी अभी, तो ऊपर जब तक ऊपर वाले नाम के ऊपर नहीं चली जाएगी परछाई तब तक जो राशि है वो वहाँ नीचे से देखना होगा, उस पर नाम लिखा हुआ सिंह, मिथुन सिंह लिखा हुआ ना, मिथुन का जस्ट वो नीचे वाला ब्लॉक था, ये सिंह राशि का ब्लॉक है कि सूर्य सिंह राशि में किसी कोई भी बच्चा जन्म लेगा उसकी कुंडली सिंह राशि के अनुसार बन पाएगी। ठीक है ठीक, तो ये राशि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया उन्होंने, ताकि नीचे जा सके, वो रास्ता एक इधर से है। अच्छा, एक इधर से दो रास्ते, एक तो इधर से और एक उधर से। नेक्स्ट वाले चलते हैं, यहाँ सब 12 अलग अलग राशियाँ हैं। अच्छा ये सब 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं, 12 घर राशि, इनसे एंगल चेक किया जाता है कि सूर्य किस राशि में कितने डिग्री पे है। अच्छा अच्छा, लेकिन हम एक बार में सिर्फ एक राशि का यूज कर सकते हैं, एक बार में एक राशि का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी राशि कौन चल रही है अपने देखिए, सिंह राशि में बताया वो, सिंह राशि चल रही है। सिंह राशि चलने का मतलब कि सिंह राशि सिर्फ जयपुर नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे यहाँ पैदा हो चाहे इंग्लैंड में हो चाहे यूएसए में, अच्छा उनकी राशि सिंह रहेगी, सिंह हर जगह सूर्य की पोजीशन उस राशि के लिए डिफरेंट रहेगी। तो अभी जयपुर में सूर्य सिंह राशि में कितने डिग्री पे उसको मालूम करने के लिए सिंह राशि के घर देखते हैं। अच्छा ये तो अभी सिंह राशि चल रही है, तो सिंह वाली राशि सिंह राशि है तो इसी अंदर पर चल रहे हैं सिंह वाले पे। यहाँ पर देखो ये परछाई यहाँ पे दिख रही है, यहाँ 180 लिखा हुआ है, ये 150 है, ये 120 है, वो 90। अच्छा, ये घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो यहाँ से इसमें से इतना कम कर दें। अच्छा से 1, 2, 3, 4 डिग्री, 150 में से 4 डिग्री लेस किया तो बचे कितने 146। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने अभी जन्म लिया तो ये जो हम पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ टाइम जगह तो उनका यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमें इतना ही मालूम करना है कि जब बच्चा पैदा हुआ उस समय सूर्य सिंह राशि में 146 डिग्री पे था। इस 146 का यूज़ कहाँ करेंगे, जो यंत्र दिखाया था मैंने नक्षत्र वाला, नक्षत्र वाला एस्ट्रोलैब, तो उस पर जो पाइप लगाना उस नॉर्थ पोल से 146 डिग्री से पाइप सेट करते हो तो पाइप किस नाम आएगा, तो इस समय के नक्षत्र का होगा, इस बालक का नक्षत्र क्या है, क्या है और उसका नाम क्या होना चाहिए। अच्छा समझ गए, समझ गए, तो आए बाबा आपको समझ में आ गया वो सर बता रहे जो। तो नेक्स्ट वाले चलते हैं, अब चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी देखने के लिए। सूर्य घड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, जो सिर्फ जयपुर में है और हिंदुस्तान में, यानी कि सिर्फ जयपुर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी कितनी बड़ी घड़ी कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं, वर्ल्ड की एक इकलौती है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, उसी प्रकार से बनी हुई है, सुबह 6 से 12 बजे तक का टाइम इधर देखा जाएगा, अच्छा 12 से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम उधर, बीच वाली दीवार है यह लोकल मेरिडियन। अभी परछाई दिख रही है आपको यहाँ पे, वो दिख रही है, एक मार्बल अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का ही है, 15 मिनट का, तो उस परछाई से जस्ट ऊपर 10 लिखा हुआ दिख रहा है हिंदी में, दिख रहा है, तो 10:15 हो रहा है जयपुर का टाइम से। अच्छा 31 मिनट और जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10:46 चेक करो कितना हो रहा है, 45। तो जो यहाँ का टाइम है
ये जंतर मंतर का उसमें 31 मिनट जो अच्छा बैकग्राउंड है। अच्छा देखो सामने सामने वो टॉप पे बना हुआ नारगढ़ फोर्ट है। हां ये सिटी पैलेस है जयपुर का, जो रॉयल फैमिली अभी भी इसी में रहती है। अभी भी इसमें रहती है? अभी भी इसी में ठीक है। अच्छा ये उनका रेजिडेंस है। अच्छा जयपुर राजमहल झंडा लगा हुआ है। हां ये जयपुर स्टेट का। अच्छा यानी कि झंडा है ना कि हमारे भारत सरकार का, जयपुर स्टेट का। जयपुर स्टेट का 5 कलर का ये फ्लैग है।